आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का झज्जर पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर किसानों के मुद्दे को लेकर के उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है, ऐसा व्यवहार तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को डराना चाहती है। साथ ही सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पहुंचने पर किसानों का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी सरकार किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है, ऐसा व्यवहार अंग्रेजों के समय के अंदर भी नहीं हुआ। कटीले तार लगाए जा रहे हैं, कीले सड़क में गाड़ी जा रही है, पूरा का पूरा सीमेंट की दीवारें लगाई जा रही हैं, बैरिकेटिंग किया जा रहा है, सेना बुलाई जा रही है, जैसे किसी दुश्मन देश के नागरिक दिल्ली आना चाहते हो। इस देश का अन्नदाता प्रधानमंत्री जी को उनका वायदा याद कराने के लिए आ रहा है। संविधान हमारा अधिकार देता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, क्यों हरियाणा सरकार डराना चाहती है? क्यों हरियाणा सरकार दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है? हम इसका निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता हर किसान की मदद करेगा। दिल्ली वो पहुंचे।